एक तरफ से सड़क बनती है और दूसरी तरफ से टूटती जाती है। जानकारी के अभाव में ग्रामीण सड़कों का दोहन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मेदनीनगर के रेणमा स्थित छिटानी टोला के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। 4 माह के भीतर ही ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित कालीकरण सड़क टूटने पर स्थानीय लोग बिफर पड़े हैं। कांग्रेसी नेता दीपक तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हाईवे समेत बड़े मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। दिक्कत है, आज के 3 महीने पहले 5 साल से टूटा हुआ रोड, माननीय विधायक को कितने बार आग्रह करने के बाद उपायुक्त और माननीय विधायक ने पहल किया और ग्रामीण कार्य विभाग से 60 लाख रुपया इस सड़क के लिए दिया गया। टेंडर होने के आलोक में यह सड़क बना और विगत 3 महीना अभी तक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अपने कैमरे की नज़र में कि कार्य का जो कार्य करने का गुणवत्ता था वो कैसा है। हर जगह यह सड़क टूट चुका है और ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीणों में बहुत ही क्षुब्ध हैं गाँव के ग्रामीण। स्थानीय ग्रामीण सह कांग्रेसी नेता दीपक तिवारी ने बताया कि दशकों से उबड़ खाबड़ रोड पर चलने को मजबूर रेड़मा के छेचानी बस्ती के लोग त्रस्त हैं। नगर निगम में शामिल किए जाने के बावजूद टैक्स वसूलने वालों को कभी भी सड़क सुविधा बहाल करने की चिंता नहीं हुई। निगम से नाउम्मीदी मिलने के बाद काफी मशक्कत के उपरांत ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल पलामू के तहत कालीकरण पथ का निर्माण कराया गया था। तकरीबन 60 लाख की लागत से रांची रोड से फनेश्वर बांध तक 2.5 किलोमीटर का पथ निर्माण 9 टन के रोलर चलाकर किया गया। नियम संगत इन ग्रामीण इलाकों के सड़कों पर हाईवे एवं भारी वाहनों का आवागमन पर पाबंदी होती है, मगर खुलेआम निजी स्वार्थ के लिए हर दिन 40-50 टन लोड हाईवे दिन भर गुजरता है, जिससे जगह जगह रोड धस भी गया है और कई जगह गड्ढे भी हो गए हैं, जिसके खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी है। टेंडर होने के आलोक में यह सड़क बना और विगत 3 महीना अभी तक नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अपने कैमरे की नज़र में कि कार्य का जो कार्य करने का गुणवत्ता था वो कैसा है। हर जगह यह सड़क टूट चुका है और ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीणों में बहुत ही क्षुब्ध हैं गांव के ग्रामीण। स्थानीय ग्रामीण यशवंत तिवारी ने बताया कि रोड के प्रवेश द्वार के पास ही बोर्ड लगाकर भारी वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। जिनको सामग्री ले जानी है वो ट्रैक्टर आदि से ले जाएं, मगर थोड़े से लालच में गांव के सड़क को बर्बाद नहीं करें। साथ ही दीपक तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मांग करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टूटे हुए सड़कों की मरम्मती कराने की नसीहत दी एवं प्रशासन भारी वाहनों की जांच कर अवैध रूप से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने पर भी बल दिया। ग्रामीणों की माने तो अवैध रूप से नियम से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई तो सड़क सालों साल चल नहीं पाएगी। वाहनों का प्रवेश पर इसलिए रोक लगाया जा रहा है कि कम से कम पैदल या मोटरसाइकिल चलने लायक भी रोड रहे, ऐसा ना हो कि 35-40 टन माल लेके लोग आवें, अपना 1-2 दिन के काम लेके 1,500 रुपया बचाने के चलते अपना समूचा यहाँ से वहाँ तक रोड बर्बाद कर दे। अगर उनको ले आना है अपना माल वो ट्रैक्टर से ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35-40 टन माल लेके, धूस लेके, छरी लेके, हाईवा लेके आते हैं तो ग्रामीणों को परेशानी होगी। इसमें सुधार नहीं होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्य पथ पर वाहनों को रोक कर चक्का जाम कर दिया जाएगा, साथ ही आंदोलन का रुख अख्तियार भी किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही पलामू प्रशासन की होगी। देखना है आखिरकार ग्रामीणों का यह विरोध कौन सा गुल खिलाता है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।